बंधु एक बात बताएं, ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय भोग क्या है? 56 भोग लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, पर सबसे ज्यादा प्रिय उनको क्या है? उनसे प्रेम करने वाला उनके सामने बैठ जाए, उस समय भोजन भी मत दो ठाकुर जी को, स्वीकार, वो दिखता रहे। ठाकुर जी को सबसे प्रिय अपना प्रेमी भक्त है। अभी यहां कल कथा पूरी करके हम परसों जा रहे हैं जगन्नाथपुरी। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की पूरी कथा हमारे जगन्नाथ जी सुनते हैं। आपको पता है इनका ऐसा स्वरूप क्यों है? ये दो भुजाएं, ये ऐसा पेट, ऐसा मुख। केवल और केवल ब्रजवासियों की याद में प्रेम की 10 अवस्थाएं होती हैं। हम संसारी लोग प्रथम अवस्था में भी नहीं आ सकते प्रेम की। प्रेम की अवस्थाएं अलग अलग बताई गई। एक अवस्था ऐसी बताई कि जब प्रेम की अवस्था आती है तो हम जड़ वस्तु को चेतन मानने लग जाते हैं। हम जड़ वस्तु को ऐसा लगने, हमको लगने लगता है ये भी बोलता होगा, उससे भी बात करने लग जाते हैं। प्रेम की एक अवस्था ऐसी, प्रेम की एक अवस्था ऐसी होती है कि हमको सब में अपना प्रियतम, सब जगह अपना प्रियतम दिखने लग जाता है। कुछ खाने बैठेंगे तो उस वस्तु की सामग्री में भी प्रियतम बैठे हैं क्या? ऐसी अनुभूति, जित देखूं उतित श्याममयी, प्रेम की ऐसी अवस्था। प्रेम की एक अवस्था ऐसी बताई गई कि हमको लगने लगता है हम जिससे प्रेम करते हैं वो मैं ही हूं, वो उसी की तरह हम चलने लगते हैं, उसी की तरह हम बोलने लगते हैं, उसी की तरह हम बैठने लगते हैं, उसी की तरह होने लग जाते हैं। और प्रेम की 10वीं अवस्था होती है कि अपने प्रियतम की याद में मोमबत्ती की तरह हम पिघल जाते हैं, हमारे हाथ पिघल जाएंगे, मुख पिघल जाएगा। इस अवस्था में मानव कभी नहीं आ सकता, पर ब्रजवासियों की याद में हमारे ठाकुर जी, कथा आती है कि सब भगवान की 16,100 पटरानियां रोहिणी मैया को घेर करके भगवान की ब्रज लीला सुन रही थी। रोहिणी मैया ने कहा, सुभद्रा तुम जाकर के द्वार पर बैठ करके पहरा करो कि कहीं कृष्ण बलराम ना आ जाएं, कहीं उन्होंने ब्रज की लीला सुन ली तो रोएंगे बहुत। सुभद्रा जी जाकर के पहरा दे रही हैं कि कहीं कृष्ण बलराम नहीं आ जाएं, लेकिन भीतर चल रही कथा में जैसे ही सुभद्रा जी ने कान लगा करके सुनना प्रारंभ किया, सुभद्रा जी भूल गई कि मुझे पहरेदारी करनी, वहीं बैठ करके नेत्रों से आंसू बहाने लगे। इतने में ही सामने से कृष्ण बलराम आ गए, और जब उन्होंने देखा कि सुभद्रा रो रही है और भीतर कक्ष में से भी एक धार बहती हुई आ रही है, मानो कृष्ण की 16,108 पटरानियां रुदन कर रही हैं। कृष्ण बलराम दोनों ने कान लगा करके जब सुना कि भीतर क्या चर्चा चल रही है, और जब ब्रज की बात सुनी, नंदरानी यशोदा, नंद बाबा, ब्रज के सब ब्रजवासी, गोप ग्वाल आदि, इन सबका जब विषय सुना, वहीं बैठ गए। सुभद्रा जी के एक तरफ कृष्ण, दूसरी तरफ बलराम, और वृंदावन की बात सुनते 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 कृष्ण बलराम दोनों की भुजाएं खड़ी हो गईं, मानो अपनी छाती को बार बार मलते हैं और भुजा खोल करके कहते हैं, अरे भैया कोई जाओ और वृंदावन से ब्रजवासियों को ले आओ, हमारे हृदय से लगा दो। और इसी मुद्रा में जैसे ही ठाकुर जी आए, प्रेम की 10वीं अवस्था पार कर गए, मुख पिघल गया, आंख पिघल गई, नाक पिघल गई, हाथ पिघल गए, सर्वांगन अंग पिघल गया, और हमारे विश्व को प्रेम विगलित ठाकुर जी प्राप्त हुए, श्री जगन्नाथ महाप्रभु। मैं साईं हमारे श्री गिरधर लाल जी साल में एक बार जगन्नाथ जी का भेष धारण करते हैं, रूप धारण करते हैं, रथ यात्रा वाले दिन हमारे गिरधर लाल जी के ऐसे ही नेत्र बनाते हैं, और ये दो भुजाएं इनको हम वस्त्र के अंदर करके और दो भुजा ऐसी बना देते हैं। परंतु निश्चित है कि जब तक मैं ब्रजवासियों का विरह प्रसंग नहीं सुनाऊंगा, गिरधर लाल जी जगन्नाथ जी नहीं बनते।
जब ब्रजवासियों का विरह प्रसंग सुनाया जाता है, किशोरी जी की याद का विरह प्रसंग गाया जाता है, और वो गाते हुए जब श्रृंगार किया जाता है, तब हमारे लाल जी जगन्नाथ जी का रूप धारण करते हैं। हमको लगता है कि श्री जगन्नाथ जी को देख करके हम बड़े प्रसन्न होते हैं, पर श्री जगन्नाथ जी सदा ब्रजवासियों की याद में रहते हैं, प्रेम विगलित हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय यदि कुछ है तो जब उनका प्रेम ही उनके सामने हो। मैं क्या करता हूं कथाओं में, हम प्रेम नहीं करते ठाकुर जी से, हम तो केवल दिखावा करते हैं, बनावटी प्रेम है हम लोगों का, वास्तविक हमसे प्रेम श्री ठाकुर जी करते हैं। हम तो बनावटी लोग हैं, हम लोगों जैसी एक्टिंग कोई नहीं कर सकता, हम तो एक्टर लोग हैं, नाटक करते हैं केवल, ठाकुर जी हैं वास्तविक प्रेमी। तो नहीं तो सोचो, हमारी छोटी सी क्रिया, हमारा तनिक सा प्रयास, हमारा थोड़ा सा भी अगर ठाकुर जी के प्रेम के प्रति थोड़ा सा भी हम पद बढ़ाते हैं, ठाकुर जी कितने ज्यादा कृपा कर देते हैं हमारे ऊपर। मानो जैसे तैयार बैठे हो, फेंटा बांध करके बैठे हो, तू एनेक आ तो सही मेरे पास, मैं दौड़ के तेरे पास आऊंगा। ठाकुर जी ने जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, ग्वाल बालों को जब वहां नहीं पाया, बहुत रोए ठाकुर जी, ढूंढने लगे, अरे मधुमंगल, अरे श्रीदामा, अरे तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, तुम सबरे कहां चले गए भैया, मैं तुम्हारी बड़ी याद आ रही है, तुम सबरे कहां चले गए। ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं, कोई ग्वाल बाल नहीं मिला। ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर, एक बात याद रखिएगा बंधु, भगवान श्री कृष्ण ब्रज में जब लीला करते हैं ना, अपनी प्रभुता भूल करके लीला करते हैं, वो भूल जाते हैं कि मैं ईश्वर हूं। पहले तो ढूंढा, जब नहीं मिले तब एकांत में बैठ करके अपनी प्रभुता का चिंतन किया, मैं ईश्वर हूं, और अपनी दिव्य चेतना से, अपनी दिव्य शक्ति से जब ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके चिंतन किया कहां है ग्वाल बाल, तब देखा कि ब्रह्म लोक में बंदी बनाकर के मूर्छावस्था में पड़े हैं, ब्रह्मा ने उनका हरण कर लिया। ठाकुर जी के नेत्र लाल पड़ गए, ताम्र वर्ण हो गया ठाकुर जी का,